मुझे तो आज से पहले कभी इतना ख्याल रखने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला दोस्त कभी नहीं मिला। सिर्फ दोस्त। सोनिया, क्या तुम अभी भी मुझे अपना सिर्फ एक मुखलिस दोस्त ही समझती हो? बोलो सोनिया, क्या तुम सिर्फ मुझे दोस्त समझती हो? मैं सिर्फ यही समझती हूँ आसिम, कि दोस्ती से बढ़कर और कोई सच्चा रिश्ता नहीं होता, और जो मुझे तुमने दिया है। बकर यार, मैंने तुमसे कहा था ना आसिम, जब तुम वापिस आओगे, अपनी अम्मी को लेकर आओगे, तब मैं तो निकाह के लिए भी तैयार हूँ। सोनिया, तुम्हें बस मेरी खुलूस नियत पर भरोसा होना चाहिए। नहीं नहीं आसिम, मैंने तुम्हारे खुलूस से इनकार थोड़ी किया है, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी, मगर सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी अम्मी ना मानी तो कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? बस यही सोच सोच के मेरा दिल बंद होता रहता है, मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ। आसिम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हारे बगैर जीने का। किसकी कॉल थी? डॉक्टर, अम्मा के बारे में कुछ बात करनी थी, वही डिस्कस कर रही थी। डॉक्टर से बात कर रही थी? अच्छा। नहीं, आप मेरा फोन चेक कर लें, क्या हो गया? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी और से बातें करती हूँ? नहीं, सुनिया, बाखुदा मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, बस वो मुझे लगा कि... नहीं, क्या लगा आपको? आपको ये लगा कि मैं किसी और से बात कर रही थी? नहीं, वो एक्चुअली वो लड़का जो तुम्हारे साथ अली को लेकर घर आया था, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो क्या... बस कर दें सुहेल, आपको अल्लाह का वास्ता है, यूं तो मुझे अपनी नजरों में नहीं गिराए इतना, क्यों मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगा रहे? वो तो हमारा पुराने मोहल्लेदार था, बस इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, मुझ पे कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? नहीं सोनिया, मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। वो तो मैं... लगाया है मुझ पर इल्जाम, शक ही है मुझ पर, आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। मैंने आपसे इतनी मोहब्बत की और आपने मुझे ये सिला दिया है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे। प्लीज प्लीज सुहेल, जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सोनिया सोनिया प्लीज, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ से नहीं जाएंगे? ठीक है, मत जाएं, यहीं खड़े रहे, मैं चली जाती हूँ।